क्यों अब पिताजी की फसल प्यासी नहीं सोती, क्यों अब पसीने की कमाई आधी नहीं होती। और कम पैसों में बीमा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। आंधी तूफान आ गया, कोई भी नुकसान किसी प्रकार का हो गया, उसका बीमा मेरे को मिल रहा है। कैसे अब भैया के मोबाइल से मंडियां जुड़ जाती हैं, कैसे अब भैया की परेशानियां टल जाती हैं। पहले हमको लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था, लेकिन अब अच्छी तरह से मिल रही है हमको खाद, जितनी चाहते हैं उतनी मिल जाती है। अब फसल का डेढ़ गुना दाम मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला वो मिल रहा है। कम दाम मिलने पर जो हमारे पारिवारिक जो खर्चे हैं उसमें कटौतियां होती थी, ना हम कोई यंत्र ले पाते थे। आज जब अच्छी फसल हमारे अच्छे दाम बिक रहे हैं, 25-30% का हमारा इजाफा हुआ है, तो हम बच्चों की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आने वाला समय जो ना बच्चों का अच्छा होगा। कैसे, बात साफ है, एक एक किसान की शक्ति तरक्की में बदल रही है। तभी तो जो दशकों तक नहीं हुआ था वो सिर्फ 48 महीनों में हुआ है। साफ नीयत से।